दिल की दुनिया में छा गया कोई, ता कयामत किसी तरह न बुझे, आग ऐसी लगा गया कोई। दिल की दुनिया उजड़ी सी क्यों है, क्या जहां से चला गया कोई, वक्त के रुखसत गले लगा कर रतन, हंसते हंसते रुला गया कोई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, दी रतन टॉक में मैं रतन सिंह राव आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अब शुरुआत करते हैं खबरों से। जिले में आए 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 184। जिले की सभी सीमाएं सीज, फिर से लॉकडाउन की आशंका। बागोड़ा पुलिस पर डोडा पोस्ट बेचने का आरोप। बूथ संपर्क अभियान को लेकर की चर्चा। वार्ड संख्या 22 में सीवरेज लाइन का किया शिलान्यास। जालोर से सटे बोकड़ा गांव में टिड्डियों ने डाला पड़ाव। अब गुजरात कांग्रेस ने भी जालोर के रतन देवासी पर जताया भरोसा। चीतलवाना उपखंड अधिकारी ने लूणी नदी बहाव क्षेत्र का संपूर्ण जायजा लिया। नगर परिषद ने किया वर्षा पूर्व सफाई अभियान। संपर्क समाधान शिविर शुक्रवार को। जालोर के एक कब्रिस्तान में लगी आग। सबसे पहले आज का मेडिकल बुलेटिन। जिले में आए 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 184। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि कोरोना संक्रमण जांच हेतु भिजवाए गए सैंपल में से बुधवार को आई रिपोर्ट में 15 कोरोना संक्रमितों की सूचना प्राप्त हुई है। पॉजिटिव आए लोगों में साकरना से एक, सराना में एक, धानसा में एक, सांचौर में एक, पांच पादरा भीनमाल में एक, साथू में एक, बासड़ा दंजी में दो, डांगरा में एक, सायला में एक, पावटी जशवंतपुरा में दो समेत जिले में कुल 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पाली जिले के 2 एवं 1 व्यक्ति की कोरोना संक्रमण जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। साथ ही पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषित कर अविलंब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संपर्क सूत्र की स्क्रीनिंग, सैंपलिंग एवं आगामी कार्रवाई हेतु संबंधित BCMO को निर्देशित किया गया है। वहीं डॉक्टर देवल ने बताया कि संदेहास्पद व्यक्तियों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में से जिले में अब तक कुल 15,810 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 14,483 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब तक कुल 184 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 284 सैंपल प्रक्रियाधीन है। वहीं अभी अभी प्राप्त हुई मेडिकल रिपोर्ट में भीनमाल के खारी रोड क्षेत्र से एक और व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शाम को आई 191 व्यक्तियों की रिपोर्ट में यह एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर अब 185 हो गई। जिले की सभी सीमाएं सीज, फिर से लॉकडाउन की आशंका। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक आदेश जारी कर जालोर जिले की सीमाएं तत्काल प्रभाव से सील कर दी गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिले की सीमाओं के अंदर बिना सक्षम अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसा COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण किया गया है। सीमाएं सीज किए जाने से एक बार फिर लॉकडाउन की आधिकारिक घोषणा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई आदेश तो जारी नहीं किया गया है, परंतु यह स्पष्ट है कि जल्द ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बागोड़ा पुलिस पर डोडा पोस्ट बेचने का आरोप। जालोर पुलिस की ओर से पिछले काफी दिनों से मादक पदार्थों की धरपकड़ तेजी से की जा रही है, लेकिन 29 मई को बागोड़ा पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के ही एक मुखबिर ने बागोड़ा पुलिस पर बरामद डोडा में से 180 किलोग्राम डोडा पोस्ट बेचने का आरोप लगाते हुए IG को शिकायत का दावा किया है। इस मामले में अब जालोर पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह को जांच सौंपी है। संदेह इसलिए भी हो रहा है कि जिस 180 किलो डोडा को बेचने की शिकायत की है उसकी अभी
वर्तमान कीमत 5 लाख रुपए हो रही है, जिस कारण शक भी किया जा सकता है, लेकिन जांच के बाद ही वास्तविकता सामने आ जाएगी कि शिकायत में कितनी सत्यता है। इधर बागोड़ा थाना अधिकारी सूरजबान सिंह राणावत का कहना है कि गुमनाम शिकायत की गई है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, गुमनाम शिकायत मायने नहीं रखती। वहीं डेटा पोस्ट बरामदगी की कार्रवाई के जांच अधिकारी व नौसरा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि स्कॉर्पियो में 270 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डोडा 451 किलो है, इतनी मात्रा में स्कॉर्पियो में भरना मुश्किल है, फिर भी मामले की जांच एएसपी कर रहे हैं, सत्यता सामने आ जाएगी। इधर परिवाद की जांच करने वाले जालोर एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नियमानुसार जाँच कर रहे हैं, जो सत्यता होगी वह सामने आ जाएगी। अगर उक्त घटनाक्रम में सत्यता पाई जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे पूर्व भी बंदरबाट का या गोरख धंधा नहीं चल रहा होगा। बुद्ध संपर्क अभियान को लेकर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2.0 कार्यकाल का प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक समाप्त होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ संपर्क अभियान के तहत बुधवार को जिलाध्यक्ष राव श्रवण सिंह बोडली ने जालोर विधानसभा के 4 मंडल जालोर नगर, उम्मेदाबाद, जालोर ग्रामीण, सायला तथा आहोर भीनमाल विधानसभा के रामसिंह मंडल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की तथा बूथ स्तर संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष भगतराम सोलंकी, जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित, नगर अध्यक्ष सुरेश सोलंकी तथा पहाड़ सिंह बोडली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड संख्या 22 में सीवरेज लाइन का किया शिलान्यास। जालोर नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में वार्डवासियों को निकाय चुनावों में की गई सीवरेज लाइन की घोषणा का बुधवार को जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, सभापति गोविंद टाक, उप सभापति अम्बालाल व्यास, जालोर नागरिक सहकारी बैंक में चेयरमैन नितिन सोलंकी के मुख्य आतिथ्य तथा वार्ड पार्षद मनीषा गहलोत की अध्यक्षता में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वार्ड संख्या 25 के पार्षद चौथ सिंह गुर्जर, पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष धनराज दवे, नगर परिषद के सफाई निरीक्षक महावीर कुमार दारू, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ओटाराम सोलंकी, गणपत सोलंकी, ठेकेदार जितेंद्र परियार, सादिक खान, सुरेश राव, राकेश पुरी सहित कई वार्डवासी उपस्थित थे। जालोर से सटे बोगड़ा गांव में टिड्डियों ने डाला पड़ाव। निकटवर्ती बोगड़ा गांव में बुधवार अल सुबह टिड्डी दल ने अपना पड़ाव डाला। इस संदर्भ में ग्रामवासियों द्वारा जब प्रशासन को अवगत करवाया गया तो टिड्डी नियंत्रण दल के वाहन द्वारा गांव में पहुंचकर दवाई का छिड़काव किया गया। हालांकि अभी भी गांव में कई जगहों पर टिड्डियों ने पड़ाव डाला हुआ है। वहीं प्रशासन द्वारा इसे लेकर खेत व जंगलों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं आसपास के गांव वेड़िया, देवकी, छांगाणी, कोटड़ा में भी टिड्डियों के दल मंडरा रहे हैं। अब गुजरात कांग्रेस ने भी जालोर के रतन देवासी पर जताया भरोसा। राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक रह चुके तथा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रतन देवासी की साख राजस्थान ही नहीं अपितु गुजरात में भी कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर गुजरात कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा नजर आने पर प्रदेश के आला नेताओं द्वारा सीमावर्ती आबू रोड की वाइल्ड बीट्स रिसोर्ट में देवासी को जवाबदेही देकर 19 विधायकों को उनकी सुरक्षा में रखा गया है। याद रहे कि रतन देवासी प्रदेश के उन नेताओं में शुमार है जिन्हें किसी भी खेमे से नहीं गिना जा सकता। वे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खास सिपहसालार और विश्वास पात्र नेताओं में शामिल है। गौरतलब है कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों को लेकर 19 जून को चुनाव है, उसी को लेकर अब कांग्रेस महकमे में खलबली मची हुई है, जिसके चलते पार्टी किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती। इससे पूर्व गुजरात में कांग्रेस के 3 विधायक जीतू चौधरी, अक्षय पटेल व ब्रजेश मिर्जा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। चीतलवाना उपखंड अधिकारी ने लूणी नदी बहाव क्षेत्र का संपूर्ण जायजा लिया। चीतलवाना उपखंड अधिकारी मासिंगा राम ने बुधवार को राजस्व निरीक्षक एवं जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ मिलकर उपखंड क्षेत्र में लूणी नदी बहाव क्षेत्र का संभावित बाढ़ की दृष्टि से संपूर्ण जायजा लिया। नदी में पानी बहने की रुकावटों को दूर करने, बांध रपटों एवं बाढ़ की स्थिति में प्रभावित होने वाले गांव पावटा व आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेकर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद ने किया वर्षा पूर्व सफाई अभियान। नगर परिषद के तत्वावधान में वर्षा से पूर्व सफाई अभियान के अंतर्गत बुधवार को शहर की वार्ड संख्या 10 एवं 26 में सफाई कराई गई। उक्त वार्डों में पेड़ की अनावश्यक टहनियों को काटा गया और नालियों की सफाई करवाई गई। शेष वार्डों में नियमित सफाई करवाई जा रही है। सुंदरलाल तालाब के आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान अनवरत रूप से चलाया जा रहा है।
संपर्क समाधान शिविर शुक्रवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रातः 11 बजे कलेक्टर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में संपर्क समाधान शिविर राजस्थान संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं एवं जिला स्तरीय जन सुनवाई सतर्कता समिति की बैठक आयोजित होगी। जिला कलेक्टर ने इससे संबंधित विभाग अधिकारियों को अपडेट सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। जालोर के एक कब्रिस्तान में लगी आग। शहर के मियां मोटेन शाह दरगाह में बुधवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का तो कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने से कब्रिस्तान के चारों तरफ लगी बाढ़ पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब के यूं दिल को सजा दी हमने, उसकी हर बात भुला दी हमने, एक एक फूल बहुत याद आया, सेख एक गुल जब वो जला दी हमने, आज तक जिसपे वो शर्माते हैं बात वो कब की भुला दी हमने, शहर है जहाँ राख से आबाद हुआ, आग जब दिल की बुझा दी हमने, आज फिर याद बहुत आया वह, आज फिर उसको दुआ दी हमने, कोई तो बात है उसमें रतन, हर खुशी जिसपे लुटा दी हमने। तो ठीक साथियों, शुभरात्रि, सब्बा खैर, कल फिर मिलेंगे आपके प्यारे चैनल दी रतन टॉप पर। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा दबाना ना भूलें।